14 है, ठीक है। अभी देखो मैच डिफाइन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, देखो एम एन आर, अभी देखो प्लेन फ्रेम, प्लेन फ्रेम का होगा 4, प्लेन फ्रेम का होगा 4, स्पेस ट्रस का होगा एम प्लस आर माइनस 3 ने, ठीक है। स्पेस फ्रॉम, स्पेस ट्रस का ये होगा स्पेस फ्रेम, इसका हो जाएगा 6 एम प्लस आर माइनस 6 एन, ठीक है। अभी देखो टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी कितना होगा, ये रहा 12 होगा, ठीक है। अभी देखो टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेंसी ऑफ द फ्रेम शोन इन द फिगर, इसका कितना होगा 16 होगा। देखो टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेंसी बहुत सारे नंबर होते हैं, इसका कितना होगा 4 होगा, ठीक है। डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेंसी गिवन बाय 1 होगा, ठीक है 1 होगा। स्टैटिक इनडिटरमिनेट बिल्डिंग फ्रेम मे बी कन्वर्टेड टू स्टैटिकली इनडिटरमिनेट 1 बाय अज्यूमिंग कब हिजर मिड हाइट होता है कॉलम पर, मिड स्पैन ऑफ बीम होता है, ठीक है। अभी देख लो, अभी देख लो, अब इसमें से कौन कौन सा 3 ऑनली सही, ठीक है। अभी देखो एंड स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज नॉट इकोनॉमिकल फ्रॉम द मटेरियल स्टैंडर्ड पॉइंट इन कंपेयर टू स्टेरिल इंटरमिनेट, ये गलत है, ठीक है। अभी एन रिडंडेंट इन स्टैंडर्ड स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एन डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेंसी रिमूव देन स्ट्रक्चर विल बिकम स्टैटिक डिटरमिनेट बट अनस्टेबल, ये भी गलत है। इन द रिजल्ट फेवर एनालिसिस द एनालिसिस फैक्टर इज ग्रोट एज देयर फ्लोस इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू बिल्डिंग स्टोरेज, सही बात है। इसमें से कौन सा स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम है, बीम जो ओवरहेंज करता है 2 सपोर्ट्स है। अरे टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेस बहुत इंटरनल एक्सटर्नल ऑफ द प्लेन फ्रेम सोन इन बीम द 10, ये हो गया, ये हो गया 10, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटरमाइंड स्टेबल, कौन सा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो ए प्रिज्मेटिक बीम इज सोन इन सोन इज ऑफ, इस पे का स्ट्रक्चर अनस्टेबल है क्या, क्या सही है देखना, ठीक है। 1 2 3 सही, ठीक है चलो इसको देखते हैं। 12 फिगर ये है, अब इसमें क्या स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, सही है। बेंडिंग मोमेंट ऑफ इज जीरो एट सपोर्ट एंड टर्न है, ये भी सही है। इट इज मैकेनिज, ये भी सही है। चौथा, चौथा कौन सा है स्टैटिक इंटरमीडिएट, ये गलत है, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक स्टैटिक इंटरमीडिएट कितना 2 है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमीडिएट ऑफ द प्लेन एज शोन इन दिस, ये होगा 4 होगा, ठीक है। रिजिड फ्रेम एबीसीडी को एनालाइज करना है स्लोप डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट इंटरसेप्ट फॉर द फ्रेम एज शोन दिस, 5, ठीक है। अगला, अगला कौन सा है, 5 हो गया। अब देखो स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ये क्या करता है, रिक्वायर करता है सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम को इक्वेशन फॉर उसके अंदर से स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर इज द 1 जिसमें कहता है कैन बी एनालाइज्ड इन इक्वेशन ऑफ स्टैटिक एंड कंपैटिबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेट ऑफ द फ्रेम बिलो, ये इसका कितना होगा 11 होगा, ठीक है। अब देखो व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेट इज द कंटीन्यूअस प्रिज्मेटिक में शोन इन द फिगर बिलो, ये इसका होगा 4। व्हाट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द 2 स्पेयर कंटीन्यूअस बीम ऑफ द यूनिफॉर्म से शोन इन द फिगर, कितना होगा इसका 4 होगा आंसर, ठीक है। इसका 4 होगा। व्हाट इज द कैरेट इंटरमीडिएट फॉर द फ्रेम सोन व्यूअर, ठीक है। इसका ये होगा, इसका 11 होगा, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ स्टडी में बहुत इंटरनेशनल ऑफ द कैंटिलीवर प्लेन ट्रस सोन इज, इसका होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिग्री ऑफ स्टडी में ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेनर ट्रस, ये है इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगला क्या है, इफ द एक्सियल डिफॉर्मेशन इज नेगलेक्टेड व्हाट इज द कैरेट इंटरमीडिएट ऑफ अ सिंगल बेयर पोर्टल फ्रेम फिक्स्ड एंड बेस, 3 होगा, ठीक है। कर्नल फुलंग इसमें क्या होगा, फ्रेम इज इंटरनली डिटरमिनेट, इसका आंसर क्या है 3 होगा, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया, अब इसमें फ्रेम इज इंटरनली डिटरमिनेट एंड एक्सटर्नल डिटरमिनेट, ये गलत है। फ्रेम इज इंटरनली डिटरमिनेट एक्सटर्नल डिटरमिनेट, ये भी गलत है। फ्रेम इज इंटरनली एज एक्सटर्नल डिटरमिनेट, सही है। फ्रेम इंटरनली इंटरमिनेट भी गलत है, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वल्स टू 275 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन स्पेस स्ट्रेस 6 होता है, ठीक है। ए प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड रिजिड बीम की सेवरल डिग्री फ्रीडम होता है, सही बात है, नहीं ये गलत है। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए लोकोमोटिव मूविंग ऑन ए रेलवे ट्रैक इज ओनली 2, ये भी सही, ये भी गलत है। फ्लोटिंग शिप का 6 डिग्री फ्रीडम, ये सही है। काइनेटिक डिटरमिनेंसी ऑफ द फ्रेम इसका कितना होगा, इसका होगा 8, ठीक है। अब देखो काइनेटिक डिटरमिनेंसी ऑफ द बीम इसका कितना होगा 9 होगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेंसी फॉर द रिजिड फ्रेम इज सोन इसका होगा 5। स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द फ्रेम सोन बीरो इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला, अगला 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 कौन सा, ये देख लो सिंपली सपोर्टेड बीम सोन इन दिस, ये होगा, इसका होगा डिटरमिनेट अनस्टेबल, डिटरमिन डिनेट अनस्टेबल फॉर द प्लेन फ्रेम एज सोन, इसका क्या होगा द डिग्री ऑफ काइनेटिक डिटरमिनेंसी कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। स्केलेटल फ्रेम सोन इन फिगर दिस इसका स्टैटिक काइनेटिक कितना 3 और 11 होगा, ठीक है। सिंगल बे स्टोरेज सिंगल बे सिंगल स्टोर पोर्टल फ्रेम ए बी सी डी ए बी डी काइनेटिक डिटरमिनेंसी कितना होता है इसका कितना था इसका हो जाएगा तो कुछ 3, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ काइनेमेटिक इंटरमिटेंसी फॉर द बिल्डिंग फ्रेम एज शोन इन द फिगर व्हेन द मेंबर्स आर अनस्टेबल, इसका 10 होगा। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरमिटेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर एज शोन इज दिस इसका कितना होगा 0 होगा, ठीक है। स्टैटिक इंटरमिटेंसी टोटल डिग्री ऑफ इंटरमिटेंसी ऑफ द पिन सो एंड इसका कितना होगा तुमको 4 होगा, ठीक है, नहीं 1 होगा।
डिग्री ऑफ स्टेडियम फॉर रिजिड फ्रेम इसका कितना हो जाएगा तो वन हो जाएगा। डिग्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इंटरमिटेंट सिस्टम, वन फिक्स्ड फ्रेम कंटिन्यूअस 2 इंच डार्क, ठीक है, और बीम ओवर हैंगिंग ऑन बोथ साइड, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, इंटरमिटेंट नहीं है ये, ठीक है। अभी देखो व्हेन द मेंबर ऑफ मेंबर जॉइंट्स आर सच दैट द इक्वेशन n इज इक्वल टू 2j माइनस 3 सैटिस्फाइड द फ्रेम शुड बी सेड टू बी परफेक्ट स्ट्रक्चर, सही बात है। इंटरमिटेंट फ्रेम द नंबर ऑफ मेंबर इज लेस देन द रिक्वायर्ड फ्रेम, ये गलत है। इफ ए फ्रेम द नंबर ऑफ मेंबर प्रोवाइड इज मोर देन द रिक्वायर्ड फ्रेम इट इज कॉल्ड डिफिशिएंट फ्रेम, ये भी गलत है, ठीक है। चलो ये हो गया कैरेक्टर इंटरमेंट से, तो शायद सोने दी फिगर इज इक्वल टू ठीक है, इसका इसका कितना कैरेक्टर इंटरमेंट कितना 14 है, ठीक है, कैरेक्टर इंटरमेंट कितना 14 है, ठीक है। अब अगला अगला देखो, अगला 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 देखो, अभी तो फोर्थ कंटिन्यूस बीम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द सपोर्ट एक्शन डी, ये कितना हो जाएगा तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम डी का क्या हो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो दिस गिवन फिगर शोन इन ए पोर्टल फ्रेम, ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द फोर्थ मेंबर बी सी, ये कितना होगा तुमको, ये नहीं होगा बी सी, ये होगा, ठीक है। अब फॉर द इन्फ्लुएंस बीम शोन इन द फिगर द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन ऑफ द बीम, वैसे प्रेजेंटेड कैसे होगा, सी ऐसे होगा, ठीक है। अब ये देखो वेदर इट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन और एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट द मूविंग मटेरियल शुड कवर द एंटायर स्पैन ऑफ अ सिंपल बीम इफ द स्पैन इज लेस देन लोड लेंथ, ये कुछ कह नहीं सकते फॉर ये सही बात है, ठीक है। वेदर इट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन और एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट द मूविंग मटेरियल शुड बी डिवाइडेड बाय द सेक्शन इन द सेम प्रेसिजन विद द सेक्शन डिवाइड द स्पैन इफ द स्पैन इज ग्रेटर देन लोड लेंथ, ये सही बात है, करेक्ट आंसर कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द लेफ्ट क्वार्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ द बीम ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ यूडियल शॉर्टन द लेफ्ट बीम हो जाएगा, तो कब होगा जब 3/4 लेंथ होगा, ठीक है। वेन ए लोड क्रॉस करता है थ्रू टाइप प्रेट ट्रस्ट को इन डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट द नेचर ऑफ फोर्स इन एनी डायगोनल मेंबर इन द लेफ्ट हाफ कितना होगा, चेंज करेगा कंप्रेशन इंडेक्स, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द बीम शोन इन द फिगर 1 ये कितना होता है, ये हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अगले 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 अगला क्या होता है, ये बी, इसके बाद नीचे कुछ नहीं है, ओके चलो कोई बात नहीं है। अगला देखो अगला क्या, तुमको ये देख लो व्हेन ए सिंगल लोड क्रॉस करता है स्पैन ऑफ लेंथ टू द शेयर फोर्स अंडर ए लोड फॉर टू द राइट ऑफ द स्पैन इज कांस्टेंट सो द लोड द सो एज द लोड मेंटेन द सेम एयर अपॉन एल रेशियो, सही बात है। इसका ये क्या हो जाएगा, व्हेन द लोड मेंटेन द सेम एयर अपॉन एल रेशियो नॉन स्पिन द डायरेक्शन एट द राइट हैंड सपोर्ट रिमेन द सेम, ये भी सही बात है, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम शो इन फिगर दिस, इससे क्या होता है, ये शेयर फोर्स एट सेक्शन में शो करता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन बेंडिंग मोमेंट फॉर द यूजिंग द कोड दिस 1 हो गया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा तुमको, 2 1 3 4 है, 2 1 3 4 ये देख लो, वो ये था 2 1 बी का 1 होगा, 3 4 सी का 3 ठीक है, और डी का 4 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो गिवन फिगर एडिशन ये 1 कितना है तुमको, द वैल्यू ऑफ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन डी टू कॉस्ट लोड ऑफ 20 किलोन्यूटन मिड स्पैन कितना होगा, 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर बेन वेट कैंटिलीवर इंड इज सोन गिवन हुज ऑन द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द प्लेस डायग्राम फॉर शियर फोर्स एट सेक्शन जस्ट टू द राइट ऑफ द सपोर्ट, ये होगा, इसका होगा ये, ठीक है, राइट ऑफ द सपोर्ट के लिए ये होता है, ठीक है। अभी देखो इन्फ्लुएंस डायग्राम फॉर द डायरेक्शन ऑफ बी, इसका बी का क्या हो जाएगा, इसका डायग्राम ड्राइंग कौन सा होगा, ये देख लो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन द कैंटिलीवर द आईएलडी ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्री एंड सेम एज द इलास्टिक कर्व ऑफ द बीम ड्यू टू इंड लोड प्लेस, सही बात है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम डिफ्लेक्शन एट फ्री इन ड्यू टू वेरियस पोजीशन ऑफ यूनिट लोड ऑन द स्पैन इक्वल करेगा डिफ्लेक्शन एट दोज पॉइंट ऑफ यूनिट मूविंग लोडिंग ड्यू टू स्टैटिक लोड ऑफ द फ्री एंड, ये भी सही बात है, ठीक है। फॉर द प्रॉपर डिलीवर दिस इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एक्शन ऑफ द प्रॉपर लोड वाई इज इफेक्ट कितना आता है, ये तो वाइट इज टू एक्स माइनस एफेक्स होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम प्रेजेंट करता है प्लस डायग्राम फॉर द फोर्स ऑफ द मेंबर डी जी, डी जी का मेंबर ये होगा, ठीक है। सोलह ये हो गया। 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, डिफ्लेक्शन डायग्राम फॉर द बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन इन कैंटिलीवर इज ट्रायंगुलर हैज द एक्सटेंडिंग कर रहा है सेक्शन और उसके बीच में अनसपोर्टेड एंड विद मैक्सिमम ऑर्डिनेट एंड सपोर्ट अनसपोर्टेड एंड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लुएंस फॉर द बेंडिंग लाइन एट 1/4 ऑफ द स्पैन फ्रॉम लेंथ ऑफ द लेके होता है, इट कंपोज ऑफ सिंगल स्ट्रेट लाइन ओनली, व्हाट इज द शेप ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन रिस्पेक्ट टू सिंगल ऑर्डिनेट, पैराबोलिक होता है, मुलर ब्रेस्टो प्रिंसिपल, ये इसका देख लो, इसका मुलर बुलर प्रिंसिपल एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडेटमेंट सबसे क्या सही है, इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर दिया नहीं, ठीक है छोड़ो इसको, ठीक है। अगला देखो वन ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड करते हैं फ्लुएंस डायग्राम फॉर मोमेंट एट ए, इसके ए का क्या होगा, ये ऐसा कुछ होगा डायग्राम, ये देख लो, ठीक है। अब अगला अगला कौन सा, विच ऑफ द
व्हाट इज द प्रिंसिपल प्लस लाइन व्हाट इज फंक्शन इन स्ट्रेट कोलाइड डिटरमाइन स्ट्रक्चर लीनियर होता है ठीक है। अब अगला देखो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंसिपल प्लस लाइन डायग्राम स्टडी द इफेक्ट ऑफ मूविंग लोड ऑन द स्ट्रक्चर। सही बात है ये तो। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस फंक्शन विद द क्रिटिकल लोड कंडीशन बी सेव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ लाइव लोड फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रेस फंक्शन बी सेव। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्ट एक्सिस ए विद द वर्टिकल और फॉर द फ्रेम फ्रेम शोन इन द फिगर बिलो। इसका क्या होता है 30 डिग्री होगा ठीक है। मूल एबल टू गेट द फ्लेस लगाएगा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ मोमेंट एट एनी सेक्शन। व्हाट इज द रिएक्शन एट द सपोर्ट डी ऑफ द रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर शोन बिलो। इसका क्या होता है तो वो 40 kN होगा ठीक है। अब ये हो गया। अगला देखो व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल लाइन डायग्राम एम्पियर लाइन बी फॉर रिएक्शन आर डी इन फिगर। ये 0.5 होता है ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ प्रिंसिपल लाइन डायग्राम फॉर द रिएक्शन एट द हिंज्ड एंड ऑफ ए यूनिफॉर्मली प्रोपगेटेड लीवर बीम ऑफ स्पैन एल एल बाई फोर होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डिनेट फॉर इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द फोर्स इन द मेंबर मार्क्ड एक्स 1.33 होता है ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द फोर्स इन मेंबर बी सी कहता था ये होता है ठीक डी होता है ठीक है। अगला 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 द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द सपोर्ट वेक्शन एट ए ऑफ फॉर द फिक्स बीम ए बी ऑफ कितना होता है ये होता है ठीक है। बोला देखो मूलर प्रिंसिपल्स पहले मोस्ट वाइडली होता है यूज फॉर डिटरमिनेट क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव इन्फ्लुएंस लाइन इन डिटरमिनेंस। सही बात है डिटरमिनेंस ऑफ द क्वालिटेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेटर वैल्यू इन एसआरटी द मोस्ट सेवियर स्ट्रेस एज स्पेसिफाइड एसएस स्टडी भी। सही बात है करेक्ट ऑप्शन भी नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट एट ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर ऑफ स्पैन 10 मीटर एक्सपीरियंस व्हेन द टू कंसेंट्रिक लोड 20 किलोन्यूटन स्पेस 2 किलोमीटर अपार्ट को यूज कर क्रॉस कर देगा ठीक है। तो 185.8 किलोन्यूटन होता है। लाइव लोड 20 किलोन्यूटन 6 मीटर लॉन्ग मूवर सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी 12 मीटर लॉन्ग फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट टू ऑक्यूर एट 4 मीटर फ्रॉम लेंथ इट वेयर विल बी द हेड ऑफ द लोड एज मेजर्ड फ्रॉम ए 8 मीटर होता है ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ लेंथ शॉर्टर दैन द स्पैन क्रॉसेज ए गर्डर बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन इन गर्डर रूल मैक्सिमम कब होगा जब सेक्शन डिवाइड करेगा लोड का सेम रेशियो एज डिफाइन दिस स्पैन ये होगा। इन्फ्लुएंस लाइन फॉर द वर्टिकल एक्शन ऑफ एट ए ये होता है ये होता है ठीक है। अगला अगला क्या मूलर फोर्स प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल स्ट्रेस कब क्यों यूज करते हैं ड्रॉ करने के लिए फ्लेक्स डायग्राम फॉर एनी फोर्स फंक्शन के लिए ठीक है। अभी देख लो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर पर्टिकुलर पॉइंट लोड ऑन अमोंग ए ट्रेन ऑफ पॉइंट लोड क्रॉसिंग सिंपली सपोर्ट बीम व्हेन दैट लोड इज कब होता है ये जब वो लोड जब होता है कब होता है जब सो प्लेस्ड दैट द लोड पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ सीजी ऑफ द ट्रेन ऑफ लोड आइकॉन फॉर द मीटर सही है। इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑफ लेंथ एच 8 मीटर इज क्रॉसेस सिंपली सपोर्ट बीम ऑफ स्पैन 20 मीटर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द लेफ्ट क्वार्टर स्पैन पॉइंट ऑक्यूर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ द सीजी टू ऑफ द टोटल लोड मीटर पर कितना 3 मीटर ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्स दैट कैन बी डिटरमाइंड इन अ कंकरेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम दो होता है ठीक है। फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मूलर प्रिंसिपल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू गेट इन्फ्लुएंस डायग्राम फोर्स ऑफ मोमेंट किसी सेक्शन पर ठीक है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस डायग्राम फॉर द रिएक्शन एट हिज एंड ऑफ यूनिफॉर्म प्रॉप कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल इसका कहता है एल बाई फोर था। मूलर प्रिंसिपल प्रिंसिपल कहता है इन्फ्लुएंस डायग्राम एप्लीकेबल किसके लिए होता है सिंपली बीम के लिए होता है कंटीन्यूअस बीम के लिए होता है तीनों के लिए होता है ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कॉज बाय सेट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड मूविंग लोड क्या था ऑलवेज अंडर लोड क्लोज टू सेट वाइड ऑफ द सेट ऑफ द लोड ये हो गया ठीक है। अब अगला देखो मूलर प्रिंसिपल प्रिंसिपल ये ऑब्टेन करता है यूज फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस डायग्राम एप्लीकेबल किसके लिए 1 और 2 स्टेटिकली डिटरमाइंड बीम ऑफ फ्रेम के लिए और स्टैटिकली इंडिटरमाइंड स्ट्रक्चर और मटेरियल फॉर इलास्टिक और हॉलो हुक लाइन के लिए होता है एंड स्टैटिकली इंडिटरमाइंड स्ट्रक्चर के लिए नहीं होता ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन इन व्हिच ए ट्रेन ऑफ व्हील लोड मूव्स अक्रॉस व्हेन द एवरेज लोड ऑफ द लेफ्ट सेगमेंट इज कितना होता है ये इसका देखो 1 only 1 मतलब क्या हो गया इक्वल टू द एवरेज लोड ऑफ द राइट साइड ठीक है। मोर देन द एवरेज लोड ऑफ द राइट साइड में गलत है लेस देन द एवरेज लोड ऑफ द राइट साइड भी गलत है। टू पैरालल रिवर्स फ्लूइड वेव 100 टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रेल बी ऑफ द स्लीपर बाय अमाउंट ए विद द ट्रेन पास ऑफ द रेल द रिएक्शन इज दैट द ग्राउंड टू कमिट ऑन यू बी रेशियो बी ऑफ एवरेज मैक्सिमम मिनिमम ऑफ सिग्नल कितना 2.83 होता है ठीक है। ये हो गया। थ्री हिंज आर्क है रिवर है इसका स्पैन एल है हाइट ऐसे कैसे यूनिफॉर्मली होता है हिंज लोकेटेड ऑन टू अबिटमेंट एट द सेम लेवल एंड द थर्ड हिंज एट ए क्वार्टर स्पैन लोकेटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड द रिजल्ट फर्स्ट ऑन अबिटमेंट का डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8h होता है ठीक है। टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर कैरीज द कॉन्स्टेंट ऑफ डब्ल्यू द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना डब्ल्यू अपॉन पाई होता है ठीक है। अभी देख लो बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एनी लोड एट एनी सेक्शन ऑफ आर्क इज लेस दैन द बेंडिंग मोमेंट एट ऑल सेक्शन ऑफ ए सिंपली फ्लोड बी हैविंग द सेम स्पैन ऑफ द आर्क अंडर द सेम लोड सही बात है। द मोमेंट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ द आर्क इज हॉगिंग ये भी सही बात है और करेक्ट एक्सप्रेशन भी ठीक है। फॉर द सेमी सर्कुलर टू हिज आर्क शोन इन दिस ए मोमेंट ऑफ 32 इज अप्लाइड एट बी प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट बी फॉर 5 सेंटीमीटर एट ए इफ ए कंसीडर्ड लोड ऑफ 10 T इज अप्लाइड एट ए व्हाट इज द रोटेशन एट बी विल बी कितना होगा रोटेशन बी कितना होगा इसका 0.1 होगा ये देख लो ये रहा
यहाँ पे बी पे लोड लग रहा है 0.1 होगा, ठीक है, लगो होगा, ठीक है। ए थ्री इंच सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर कैरीज इन फॉलो डिस्टेंस डब्ल्यू पर यूनिट लोड हॉरिजॉन्टल बनते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रांस करना डब्ल्यू बाई टू होता है, ठीक है। अब देखो पैराबोलिक सिमेट्रिकल थ्री इंच आर्क का बेंडिंग मोमेंट एट डिस्टेंस जो डेड लोड कहता है जीरो होता है, इन इन्फ्लुएंस लाइन ड्रॉइंग फॉर मोमेंट एट द सेक्शन ऑफ आर्क एंड सेम सपोर्टेड बी मोमेंट एट एच एक्स वाई हैव इक्वल एरिया, ये भी सही बात है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है। सर्कुलर थ्री इंच पिन आर्क पे हाफ स्पैन 40 मीटर और राइट 8 मीटर इज हिंज एट ग्राउंड स्प्रिंग, इसमें हॉरिजॉन्टल लोड 100 किलो पर वर्टिकल मीटर ऑन द लेफ्ट साइड में, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट द राइट स्प्रिंग कितना होगा 200 किलोमीटर होगा, ठीक है। ए थ्री हिंज्ड आर्क शोन इन द फिगर विल हैव वैल्यू ऑफ एच कितना होता है, वैल्यू ऑफ एच कितना होता है तो 40 किलोमीटर, ठीक है। सर सर्कुलर सेगमेंट थ्री हिंज आर्क है इसका स्पैन 36 सेंटीमीटर राइट 6 मीटर है, हिंज्ड एट द क्राउड होता है और स्प्रिंग एट, इसको हॉरिजॉन्टल लोड 1000 न्यूटन पर मीटर है कवरिंग फुल हाइट ऑफ द आर्क, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पे कितना होगा 1500 न्यूटन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट सपोर्ट ए इन थ्री इंच आर्क इसको कितना होता है 4 किलोमीटर होगा इसमें, ठीक है। अभी देखो थ्री इंच सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्क ऑफ स्पैन 20 मीटर राइज 5 मीटर कैरीज यूडीएल ऑफ 2 किलोमीटर पर मीटर फॉर द होल स्पैन, बेंडिंग मोमेंट एट द क्वार्टर पॉइंट पे कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अभी देखो 42 इंच पैराबोलिक आर वी एक्स इज द सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेक्शन, लेफ्ट हैंड ऑफ द सेक्शन और एच क्या है तुमको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, अल्फा क्या एंगल ऑफ द टेंजेंट है एट द पॉइंट फॉर विच हॉरिजॉन्टल शेयरिंग फोर्स ऑफ द सेक्शन फॉर द लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा वी कॉस एक्स अल्फा माइनस एस साइन अल्फा, एंड आर कैन नॉट प्रैक्टिकली बी बिल्ट टू द शेप ऑफ द वर्टिकल आर्क, द शेप ऑफ द वर्टिकल आर्क इज अफेक्टेड बाय लोड मूविंग ऑन इट, सही बात है, करेक्ट आंसर बी, ठीक है। सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्क ऑफ स्पैन एल राइज एच इज हिंजेड बोथ द सपोर्ट द आर्क कैरीज यूडीएल ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट मीटर अलोंग द होल स्पैन, इसका क्या होता है हॉरिजॉन्टल स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 एच होता है, ठीक है। थ्री इंच सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर्क कैरीज इसको कॉस्टल डब्ल्यू एट द क्राउन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द आर्क एट द हिंज इतना कहते हैं डब्ल्यू बाई टू होगा, ठीक है, ये होगा 16 16 16 क्या होता है तुमको ये देख लो द शेप ऑफ द केबल सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स डिफाइंड बाय इसका क्या होता है 4 3 1, ठीक है। शेप ऑफ द केबल सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स डिफाइंड बाय अप्लाइड लोड होता है, ठीक है। द केबल इज फॉर्मली लोडेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्पैन टेक द शेप ऑफ पैराबोला होता है, द केबल 4 3 2 1 2 है ना, द केबल यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग इट्स लाइफ जब द शेप ऑफ कटनरी होता है, द गर्डर इन सस्पेंशन ब्रिज ट्रांसमिट ऑफ इट्स लोड कहा जाता है लिटिल लोड होगा, ठीक है। देखो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इज सिमेट्रिक पैराबोलिक टू हिंज्ड आर्क ऑफ स्पैन एल सेटल लोड वाई सो टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेट ऑफ स्पैन डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 वाई होता है, थ्री हिंज लोडेड सेमी सर्कुलर आर्क ए सी बी शोन इन द फिगर व्हाट इज द शेयरिंग फोर्स एट सी 10 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब अगला देखो अगला कौन सा है 19वां ये है देखो लीनियर आर्क क्या तो वन जिसमें रिप्रेजेंट करता है थ्रस्ट लाइन को कंसीडर फॉलोइंग इवन थ्रू अ लिस्ट थ्री हिंज पैराबोलिक आर्क इज सब्जेक्टेड ओनली टू वर्टिकल लोड इज जनरेट हॉरिजॉन्टल लेग्स एंड एक्सियल फोर्स, सही बात है। ए केबल यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्पैन एज्यूम करता है शेप ऑफ पैराबोला वेयर ए केबल यूनिफॉर्मली लोडेड अलोंग इट्स लेंथ टेक दिस सर्वरी शेप ऑफ कटरी, भी सही बात है। केबल लोडेड यूनिफॉर्मली अलोंग द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट बाय फार द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, भी सही बात है। एक कॉन्सेंट्रेशन लोड डब्ल्यू मूव्स इन द स्पैन ऑफ थ्री हिंज आर्क द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एज सपोर्ट इज मैक्सिमम व्हेन द लोड एज इट्स फॉलो विच क्राउड पे होगा, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज के पास दो हिंज स्टिफनिंग ग्रेडर है इसलिए इंटरमीडिएट होगा इसका डिग्री 1 होगा, ठीक है। ए थ्री हिंज सिमेट्रिकल आर्क क्लोडेड विद शोन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेक्ट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, इसका क्या होगा पी होता है, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज विद टू हिंज स्टिफनिंग गर्डर इसका स्टैटिकली डिटरमिनेट है, अब ये देख लो स्टैटिकली अब इसमें क्या है स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इफेक्ट ड्यू टू सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड लोड कैन बी स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ फ्रेनेस, सही बात है। केबल सस्पेंशन ब्रिज विल नॉट टेक द पैराबोलिक शेप इफ यूनिफॉर्मली रोटेट अलोंग द हॉरिजॉन्टल, ये गलत है। थ्री इज आर्क विद नॉर्मल फोर्स शेयर फॉर द मोमेंट एट एंगल नॉट मींस बाय द हॉरिजॉन्टल लेग्स एंड सपोर्ट, ये गलत है। थ्री इंच आर्क ऑफ लेंथ एल राइट आर सो टू कॉन्सेंट्रेट पी एट द वर्ड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होता है पी एल अपॉन 4 आर होता है, ठीक है, ये हो गया। अभी देखो केबल ऑफ नेग्लिजिबल वेट सस्पेंडेड बिटवीन टू पॉइंट्स स्पेस 300 मीटर अपार्ट होता है विद द राइट सपोर्ट बीइंग 20 मीटर हायर देन द लेफ्ट सपोर्ट 4 वर्टिकल लोड 400 200 400 1200 अप्लाइड किया एबीसीडी पे 60 120 180 फुट हर दिल पे तो लार्जेस्ट सैग कहाँ पे होगा सी पे होगा, ठीक है। थ्री हिज पैराबोलिक आर्क ऑफ स्पैन एल और हाइट एच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड सपोर्ट करता है डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8 एच होगा, ठीक है। व्हेन थ्री हिज पैराबोलिक आर्क इज सब्जेक्टेड टू राइट इन एम्बिएंट द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट द सपोर्ट कितना होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अभी देखो थ्री इंच पैराबोलिक आर्क एबीसी इसका स्पैन 20 मीटर और राइज का 4 मीटर दी आर्क के पास आर्क हैज हिंजेस एट द और द ग्राउंड द ट्रेन ऑफ द टू पॉइंट लोड 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर का 5 मीटर पार्ट है क्रॉसेज आर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद 20 किलोमीटर लीडिंग है तो मैक्सिमम थ्रस्ट इंड्यूस कितना 31.25 होगा, ठीक है। अगला देखते हैं